जाने माने एक्टर, मॉडल और कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। उन्हें सोमवार दोपहर अपने अंधेरी स्थित घर के बाथरूम में मृत पाया गया। आदित्य के दोस्त को वो बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर स्थित मकान में मृत मिले थे। इसके बाद दोस्त और बिल्डिंग का वॉचमैन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां एक्टर को मृत घोषित कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि एक्टर की मौत के पीछे ड्रग्स का ओवरडोज भी हो सकता है। आदित्य सिंह राजपूत इंडस्ट्री में अच्छी पहचान रखते थे। उनका कनेक्शन कई लोगों से था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। कुछ टीवी शोज और फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने अपना ब्रांड पॉप कल्चर शुरू किया था। इस ब्रांड के तहत वो बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम करते थे। उन्होंने कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। एक्टर की अचानक हुई मौत से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। किसी के लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल है कि कल तक पार्टी करते और हंसते मुस्कुराते आदित्य आज इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली के रहने वाले आदित्य सिंह राजपूत का मॉडलिंग करियर काफी बढ़िया रहा है। उन्होंने क्रांतिवीर और मैंने गांधी को नहीं मारा नाम की फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा वो टीवी पर आए लगभग 300 विज्ञापनों में दिख चुके थे। टीवी शो स्प्लिट्सविला में भी उन्हें देखा गया था। वेब सीरीज गंदी बात में भी आदित्य ने काम किया था। पिछले काफी समय से आदित्य सिंह राजपूत एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए थे। वो कास्टिंग के नाम पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। मुंबई के ग्लैमर सर्किट में आदित्य की खास पहचान थी। वो पार्टी और पेज थ्री इवेंट्स में अक्सर नजर आते थे। आदित्य सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही की थी। एक्टर का जन्म और परवरिश दिल्ली में हुई थी, हालांकि उनका परिवार उत्तराखंड में था। उनके घर में माता पिता के साथ एक बड़ी बहन है, जो शादी के बाद यूएस शिफ्ट हो गई है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही आदित्य ने कई एग्जाम्स दिए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में उन्होंने मुंबई आकर अपना करियर बनाया। उन्होंने फिल्मों और विज्ञापन के साथ साथ टीवी शो CIA में भी काम किया था। बता दें कि आदित्य सिंह राजपूत की मौत का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। सूत्रों की माने तो आदित्य सिंह राजपूत की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण भी हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर बाथरूम में अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। दोस्त ने आनंद फानंद में वॉचमैन को इसकी खबर दी। एक्टर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आदित्य का निधन हो चुका था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।